हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता बनाकर इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजा की पार्टी से जहां राजनीतिक गलियारे में हड़कंप है, तो वहीं दूसरी तरफ समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। राजा भैया 30 नवंबर को लखनऊ में अपनी पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। राजा भैया के समर्थकों में उत्साह इतना है कि राजा भैया की युवा सेना ने 30 नवंबर को लखनऊ में होने वाली रैली के लिए पूरी ट्रेन ही बुक कर दी है। राजा भैया यूथ ब्रिगेड का दावा है कि रैली में ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा कि सभी दलों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यूथ ब्रिगेड 50 लाख की भीड़ जुटाने का दावा कर रहा है, जिसको लेकर पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। राजा भैया यूथ ब्रिगेड ने प्रयागराज से लखनऊ जाने के लिए स्पेशल ट्रेन बुक कराई है। प्रयागराज से चलते हुए यह ट्रेन कुंडा, ऊंचाहार, रायबरेली होते हुए लखनऊ जाएगी। पूरी ट्रेन में राजा भैया के ही समर्थक होंगे, जो 30 नवंबर को लखनऊ जाएंगे। यूपी की सियासत में अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी व अमित शाह की जोड़ी के साथ अखिलेश मायावती के गठबंधन पर सभी की निगाहें थी, लेकिन राजा की नई पार्टी बनाने के साथ ही सभी की निगाहें राजा भैया पर टिक गई हैं। राजा भैया लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन 30 नवंबर की लखनऊ की रैली में राजा अधिकतर राज से पर्दा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आई इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।